हेलो एवरीवन, वेलकम टू तड़का पॉइंट। आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, बिना कद्दूकस किए हुए गोभी के पराठे कैसे बनाए। जी हाँ, देखिए आप, पराठे बनाने के लिए मैंने गोभी को पहले से ही धोकर अच्छे से सुखा लिया था, उसमें नमी बिल्कुल नहीं थी। मैंने गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है और मैंने गोभी के डंठल को भी छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। मैं गोभी के टुकड़ों को माइक्रोवेव में स्टीम कुक करने वाली हूँ, जिससे गोभी के जो डंठल हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और पराठा बेलने में बिल्कुल आसानी रहेगी। मैंने माइक्रोवेव में बाउल को शिफ्ट कर दिया है और स्टीम कुक मोड पर मैंने 6 मिनट का टाइम सेट कर दिया है। आप चाहे तो गोभी को कुकर में भी बगैर वेसल के गोभी को स्टीम कुक कर सकते हैं। जब तक हमारी गोभी स्टीम कुक होती है, मैं हरी मिर्च और प्याज को बारीक बारीक काट लेती हूँ। यहाँ प्याज ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे ना डालें, लेकिन प्याज डालने पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। प्याज और हरी मिर्च के कटने तक ही माइक्रोवेव बंद हो चुका था। मैंने बाउल को बाहर निकाला और उसे मैशर की सहायता से मैश कर दिया। आप देख रहे हैं गोभी कितनी स्मूथली मैश हो रही है। मैंने इसे अच्छे से मैश कर दिया है ताकि पराठा बेलने में आसानी रहे। गोभी ज़्यादा गली नहीं है, मोटे मोटे पीसेस उसके रह चुके हैं। मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। कोई अलग मसाला कोई ऐड नहीं किया है, बस सादे ही मसाले हैं। धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची और जीरा। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें धनिया और गोभी के जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं उन्हें बारीक बारीक कट कर लिया था और मैं उसको इसमें मिला देती हूँ। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि नमक मैं हमेशा बाद में ही मिलाती हूँ, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है जिससे पराठा बेलने में परेशानी होती है। देखिए आप, कितनी अच्छी फिलिंग बनकर तैयार हुई है। अब मैं आटा लगा लेती हूँ। आटे में मैंने अजवाइन को हाथों से रगड़ कर डाला, जिससे अजवाइन का फ्लेवर उभर कर बाहर आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। थोड़े थोड़े मसाले मैं आटे में ऐड कर रही हूँ। मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा ही लिया है। आटे को बिल्कुल नॉर्मल ही रखें, ना तो ज़्यादा हार्ड करें ना ज़्यादा स्मूथ। अब हम पराठे बनाते हैं। तवे को मैंने अभी हाई फ्लेम पर ही रखा है। नमक मैं इसमें अब ऐड करूँगी। आलू के पराठे को छोड़कर मूली और गोभी के पराठे में मैं बाद में ही नमक ऐड करती हूँ, इससे पराठे को बेलने में ज़्यादा आसानी रहती है। देखिए फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही है, पराठा बिल्कुल आसानी से ही बेला गया है। जो गोभी के डंठल और पत्तियाँ होती है वो पराठा सिकने के बाद पराठे को एक अलग ही रूप देती हैं। स्प्रेडिंग के लिए मैंने घी का ही यूज़ किया है, आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पराठा बनकर तैयार हो चुका है और देखिए जो ग्रीन पत्तियां और धनिया थी और जो डंठल थे वो पराठे को बिल्कुल ही अलग लुक दे रहे हैं, दिखने में भी बहुत क्रंची बना है। बहुत ही क्रंची पराठा बनकर तैयार हुआ है। मैं इसे खीरे के रायते के साथ ही परोसूंगी। आप चाहे तो दही अचार के साथ भी इसे खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।